आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक लड़की और एक उसके पति की कहानी है। आज की कहानी को अगर आप लोगों ने लास्ट तक एक बार सुन लिया तो आपकी जिंदगी में भी बहुत सारा प्यार भर जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं अभी अपनी कहानी को शुरू करता हूं। एक बार एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। लड़की शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या फिर हक? उसके बाद में पति कहता है, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूं, पी लीजिएगा, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे, कह के कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छोड़ा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लेके फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार भी है। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था, बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात को लिखता था। ऐसे लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पे नहीं था तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोल के खाना फेंक देती है, मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेके निकल पड़ती है। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। लड़की भले टूटकर चाहती थी लड़के को मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह इसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे, आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। लड़का, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूं कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। लड़की, शादी के दिन मैं आ गई थी तो तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। उसके बाद लड़का कहता है, खाली हाथ कहाँ तक भागोगे, तुम ही बोलो, मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, ATM और मेरे गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे। लड़का चालाक इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का भूत दो दिन में उतर जाता, समझी? और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। लड़की, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो ना सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ, बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना, मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं,
हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं, वह लेके आऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़की का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का, ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है तो पति बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियां दो अलमारी की। लड़का, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले हैं चाबी। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे, एक पेपर के साथ थे, और उसकी मालिकियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पे पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूँगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपने प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज कर के पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने का इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी एक रुपया ना लेना। मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के 20 पन्नों पर तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है, जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी, ना चाहते हुए भी गंवार के शब्दों ने दिल को छू लिया था, ना चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हों, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हम सफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे, आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे।
हम आपसे अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करेंगे, किसी और की हुई तो आपके हक से दुआएं मांगेंगे। लड़की का फोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पे था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख के न जाने कब सो गई पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टीकी जैसी साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे। मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाके सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बना के अपनी स्कूटी से सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि कुछ पता ही नहीं है उनको कि बहू आज मुझे कहाँ ले जा रही है, बस बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति, सब ठीक तो है ना माँ? मगर माँ बोलती है इससे पहले पत्नी गले लगा कर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ, अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग आश्चर्य में रह जाते हैं। दुल्हन, क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं साथ साथ। पति, पागल? पति बोलता है पागल? दुल्हन, आपके सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने कमार से, जहां से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों की, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये दो ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, भले ही कहानी फिल्मी कहानी की तरह लगे, मगर यह एक सच्ची है कि हमें अपने माता पिता के बातों का सम्मान करना चाहिए। हर माँ बाप गलत नहीं होता। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप जिस किसी से भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए एक कमेंट जरूर करना। कमेंट बॉक्स में आई लव यू और अपने प्यार करने वाले का नाम जरूर टाइप करें, और वीडियो को लाइक और सभी तक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।